हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्यूशन मिलेगा। मैं हूं आपका अपना देखजीत सिंह। आज हम बात करने वाले हैं PWS लीड पे। कोई भी फ्लिपकार्ट सेल में या अमेजोन सेल में तो हमें ये होता है कि PWS किस टाइप के होने चाहिए, या एयरडॉप बोट के आते हैं और डेफी एंड बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो अपने मार्केट में प्रोडक्ट्स रखती हैं। डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट्स, उसका जो प्राइस रेंज है वो अप होता है एंड लो होता है। सो हम देखेंगे कि हम अगर परचेज कर रहे हैं तो हमारा बजट क्या है और उसके हिसाब से हमें क्या स्पेसिफिकेशन देखना चाहिए किसी भी TWS ईयरबड्स या ईयर ड्रॉप्स में। सो लेट्स लेट्स स्टार्ट। तो किसी भी PWS की जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं उसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है बिल्ड क्वालिटी, जो हमें देखनी चाहिए कि किसी भी केस की, किसी भी TWS की जो बिल्ड क्वालिटी है वो क्या है। क्योंकि अगर बिल्ड क्वालिटी सही नहीं होगी और लो क्लास प्लास्टिक से वो बना होगा तो मे भी हो सकता है कि वो एक बार गिरने से या दो बार गिरने से वो टूट जाए। तो वी हैव टू सी और चेक इफ बिल्ड क्वालिटी की वो स्ट्रॉन्ग ABS मटेरियल से बना होता है। एंड जब उसको आप अपने हाथ में देखते हैं तो यू विल गेट एन आइडिया दैट हाउ मच क्वालिटी यू नो आ PWS हैव। सो वी मस्ट हैव टू चेक बिल्ड क्वालिटी फर्स्ट। नेक्स्ट फीचर जो हमें चेकआउट करना है वो है फास्ट पेयरिंग और IWP टेक्नोलॉजी। IWP टेक्नोलॉजी मीन्स इंस्टेंट वेक एंड पेयर टेक्नोलॉजी। और सेकंड फीचर जो है फास्ट पेयरिंग। फास्ट पेयरिंग मीन्स कि जैसे ही आप उसकी केस की लिड ओपन करते हो तो वो एकदम से कनेक्ट होता है या नहीं आपके फ़ोन के साथ ड्यूरिंग द सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन के वक्त वो टाइम लेता है, बट ड्यूरिंग द सेकंड टाइम वो इंस्टेंटली कनेक्ट होता है या नहीं आपके फ़ोन के साथ, ये डिपेंड करता है। तो ये अगर इसमें थोड़ी सी भी लैग है तो वो PWS हमें नहीं लेना चाहिए। वैसे जो है आजकल की जो टेक्नोलॉजी है लेटेस्ट, उसमें सभी फीचर IWP से रिलेटेड बेस्ट आ रहे हैं। थर्ड फीचर आता है जो हमें चेकआउट करना है कि कैपेसिटिव टच कंट्रोल। उसके जो ईयरबड्स होते हैं उसका टच कैसा है। वी मस्ट हैव टू चेक बोथ द PWS टच कंट्रोल्स कि उसमें कोई लैग तो नहीं आ रहा, या वो सेंसर्स जो हैं वो कैपेसिटिव टच कंट्रोल वाले वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसमें वो एक्चुअल में सेंसर्स काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। सो बिफोर यू नो बाइंग वी कैन सी द रिव्यू एज वेल, और हम उसमें चेक कर सकते हैं कि कैपेसिटिव टच कंट्रोल कितना इफेक्टिव है, कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहा है टू योर रिक्वायरमेंट। जैसे मान लो कोई भी आप प्ले करते हो सॉन्ग तो वो कितना जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो उसके हिसाब से हमें वो चीज़ चेक करनी चाहिए कि कैपेसिटिव टच कंट्रोल सही है या नहीं है। नेक्स्ट फीचर आता है हमारे पास नॉइज़ कैंसिलेशन का। नॉइज़ कैंसिलेशन मीन्स एनवायरमेंटल नॉइज़ कैंसिलेशन या एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन। इसमें क्या होता है कि जब आप कोई भी कॉल पे होते हैं तो जो सराउंडिंग्स की जो आपकी जो नॉइज़ है वो कैंसिल कर देता है आपके ईयरबड्स। तो आजकल ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है इवॉल्व हो रही है PWS में, तो आगे और भी टेक्नोलॉजी इससे रिलेटेड आएंगी। बट हाँ, ये वी हैव टू चेक कि जो भी हम लेटेस्ट PWS ले रहे हैं उसमें ये वाला फीचर नॉइस कैंसिलेशन का है या नहीं, बिकॉज ये बहुत इफेक्टिव है एंड वी मस्ट हैव टू टेक दिस फीचर यू नो और टेक दिस फीचर इन आवर माइंड कि लेने से पहले कि इसमें होना ही चाहिए। नेक्स्ट फीचर आता है हमारे पास बेस एंड वॉल्यूम का। एक्चुअली ये क्या होता है कि वॉल्यूम जो होता है, बिकॉज सम ऑफ द ईयरबड्स जो होते हैं वो पेन करने लग जाते हैं आपके ईयर्स में यू नो आफ्टर लिसनिंग टू द हाफ एन आवर इंटरवल और लाइक 1 आवर इंटरवल। उसके बाद आप उसको कान में लगा नहीं सकते बिकॉज वो पेन करेंगे आपके, और उसकी वॉल्यूम जो है इतनी ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस करती है कि आप उसे लगा नहीं सकते। अगर आप ब्रांडेड लेते हैं कोई भी तो मे भी हो सकता है उसमें वॉल्यूम थोड़ा सा इजीली आपके ईयर्स को सूटेबल हो, कंफर्टेबल हो।
तो बाकी जो नॉर्मल होते हैं उसको हम चेक करके हम ले सकते हैं। सिक्स इज कॉल क्वालिटी। आजकल देखने में आ रहा है कि कुछ जो TWS होते हैं उनमें जब आप कॉल कर रहे होते हैं सो एक पीछे से बैकग्राउंड मशीन वॉइस जो हो रही होती है वो आ रही होती है, लाइक काइंड ऑफ बजिंग साउंड जो होती है वो आती है। सो उस टाइप की जो जो वो बजिंग साउंड होती है वो कॉल क्वालिटी को बहुत डिस्टर्ब करती है, उसकी वजह से इंटरप्शन होते हैं। मे भी हो सकता है आपकी कॉल जो है वो लैग हो जाए या आपके नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा से रिड्यूस हो जाए। सो वी मस्ट हैव टू चेक कि कॉल क्वालिटी अच्छी हो और विदाउट एनी मशीन नॉइस और विदाउट एनी बजिंग साउंड दे विल गिव द आउटपुट ऑफ द कॉल। सो ये चीज़ हमें जरूर चेक करनी है। ये हमें रिव्यूज से ही पता लग सकती है, बिकॉज जो भी रिव्यूज जिन्होंने भी वो परचेज किया है वो प्रोडक्ट जिस भी काइंड का TWS, सो हाँ वो हमें रिव्यूज के थ्रू ही पता लग सकती है। सो नेक्स्ट हमारा आता है कि चार्जिंग जैक कौन सा होना चाहिए TWS में। सो चार्जिंग जैक जो होना चाहिए वो होना चाहिए TWS में टाइप सी चार्जिंग जैक, जो आजकल सभी TWS में आ रहा है, बिकॉज टाइप सी जो है वो इजीली अवेलेबल है एंड उसकी जो कन्वीनियंस है उसकी जो जैक के अंदर पोर्ट्स हैं वो काफ़ी इजीली हैं, सोल्डर्ड होते हैं, मैन्युफैक्चर्ड अच्छे से होते हैं। सो आजकल टाइप सी चार्जिंग जैक यूज होता है TWS में। नेक्स्ट फीचर जो हम चेकआउट करेंगे कि टोटल टाइम प्ले क्या होगा जब TWS केस जो है वो चार्ज हो जाता है, फुली चार्ज हो जाता है। तो एक बार फुली चार्ज करने पर केस को हम कितनी देर तक चला सकते हैं, लाइक आजकल जो डेली रूटीन में हम टोटल टाइम प्ले देख रहे हैं वो 20 आवर्स का हो रहा है, 25 आवर्स का भी हो रहा है, बट सम ऑफ द ईयरबड्स लाइक मीवी के जो फ़ोन हैं, गोवो के जो फ़ोन्स हैं वो 40 to 45 आवर्स का भी प्लेबैक टाइम दे रहे हैं कि इतने एक वंस चार्ज करने के बाद हम उसे 45 आवर्स तक चला सकते हैं। बट आई थिंक वो दोनों सिंक इफ वी यूज ए सिंगल ईयरबड वंस तो उसके हिसाब से वो बता रहे हैं टोटल टाइम प्ले। अगर हम दोनों का टोटल टाइम प्ले देखें, दोनों ईयरबड्स का एक साथ लगा के देखें, तो वो वन वन ए टाइम 6 आवर्स का प्लेइंग सिस्टम देते हैं एंड देन वी हैव टू अगेन पुटे द होल ईयरबड इन टू द TWS केस एंड देन यू कैन यूज इट फॉर द अनदर 6 आवर्स। सो ये हमें देखना होगा कि कौन सा टोटल टाइम प्ले जिसमें भी ज़्यादा मिल रहा होगा सो हम वो वाला कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट नाइन्थ फीचर जो आता है वो आता है कि वॉल्यूम कंट्रोल बाय TWS है या नहीं। सो हम देखेंगे कि आजकल जो TWS आ रहे हैं उसमें वॉल्यूम कंट्रोल का फीचर बहुत कम देखने को मिल रहा है। वो अगर वो होगा भी वॉल्यूम कंट्रोल तो उसकी जो प्राइस रेंज TWS की होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। सो इफ़ यू आर इन द मीडियम बजट और लो बजट सो उसमें वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन शायद ही आपको देखने को मिले। सो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट यू हैव टू चेक इट आउट कि आप वॉल्यूम कंट्रोल लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते, तो आप इस फीचर को जरूर चेक करें, बिकॉज बार बार इफ यू आर इन द ड्राइविंग मोड एंड यू आर लिसनिंग टू सम सॉन्ग्स और कॉल, सो इफ यू वॉन्ट टू इंक्रीज द वॉल्यूम और डिक्रीज द वॉल्यूम सो यू कांट डू TWS अगर उसमें ये फीचर नहीं होता तो। सो ये फीचर होना तो मस्ट चाहिए। सो अगर आपके पास बजट अच्छा है लेने का तो आप कोई अच्छे TWS कंसीडर कर सकते हैं जिसमें वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन हो। लास्ट फीचर जो मैंने इस वीडियो में कंसीडर किया है वो है नंबर ऑफ माइक्स। माइक्स की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी होती है बिकॉज कॉल क्वालिटी उसी पे डिपेंड करती है। प्रीवियसली जो है डुअल माइक्स आते थे बट नाउ अ डेज इन द मीडियम बजट TWS
क्वाड माइक्स आने लग गए हैं, मतलब उसके अंदर चार माइक्स होंगे। चार माइक्स की वजह से जो कॉल क्वालिटी है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। सो हमें ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम मीडियम बजट में भी जा रहे हैं तो एटलीस्ट TWS में किसी में क्वाड माइक्स होना मस्ट है। सो इन्हीं फीचर्स के साथ हमें TWS को लेने वक्त कंसीडर करना चाहिए इन फीचर्स को। इफ़ यू हैव एनी सजेशंस देन यू कैन ऑल्सो कमेंट एंड सजेस्ट अस। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए सॉल्यूशन मिलेगा चैनल को सब्सक्राइब किए लीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सॉल्यूशन मिलेगा। साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय चैनल सॉल्यूशन मिलेगा टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। सत श्री अकाल।